हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग जैसे भी होंगे बहुत ही अच्छा होंगे। दोस्तों आज मेडिसिन लेकर आया हूँ, हे फार्मर्स इंजेक्शन, ये इन्फ्यूज़न है। और ये मेडिसिन कैसे यूज किया जाता है और किस किस बीमारी में यूज किया जाता है, दोस्तों मैं मेडिसिन को स्टेप बाय स्टेप आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहे वीडियो की ओर। तो दोस्तों आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर डॉक्टर गैर चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं बिना टाइम बिताते हुए वीडियो। तो दोस्तों इसमें मैं बताने वाला क्या हूँ, बताऊँगा हेपामर्ज इंजेक्शन का यूज क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, किस किस बीमारी में दिया जाता है और इसका एक्सपायरी डेट क्या है, और ये बीमारी कब और क्यों और कितना दिया जाता है। और तो चलते हैं दोस्तों बिना टाइम बिताते, हेपामर्ज दोस्तों जिसकी कंपनी ने है विल मेडिकेयर। तो दोस्तों पहले इसका एमआरपी देख लेते हैं, इसकी एक्सपायरी डेट देख लेते हैं, उसके बाद यूज क्या है वो देखते हैं। तो चलते हैं पहले एमआरपी, दोस्तों चलते हैं देखिए इसका जो एमआरपी है थोड़ा कॉस्टली मेडिसिन है, 312 रुपये है दोस्तों। ये जो है अप्रैल 2022 में एक्सपायर होगी और मई 2019 में ये फ्रेंचाइज की गई है। तो और विन मेडिकेयर कंपनी ने ये इसका फ्रेंचाइज किया प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों इसका जो देख ले एम्पुल कैसा है और यूज कैसे किया, 10 ml की है दोस्तों ये एम्पुल है। तो हेपामर्ज का कंपोजिशन जो होती है, हेपामर्ज इंजेक्शन की कंपोजिशन एल ऑर्टिथाइन एल एस्पारेटेट। तो चलते हैं पहले इसका यूज क्या है फिर बताएंगे किस किस बीमारी में काम करेगी। तो दोस्तों किस किस बीमारी, पहले हेप्टिक एंसलोपैथी, एंसलोपैथी लीवर, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस बी, ये तीन बीमारी में काम करेगी। जैसे कि मैंने बता दिया हेप्टिक एंसेफलोपैथी, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस बी, जो कि ये जो मेडिसिन जो ये जो बीमारी है बहुत ही टफ है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल किया कैसे किया जाता है, एल ऑर्निथाइन एल एस्पारेटेट एक एमिनो एसिड होता है जो कमज़ोर लीवर या अच्छे से कार्य न करने वाले लीवर को मरीजों को अमोनिया के संचरण या एकत्रित होने से रोक देता है या कम कर देता है, जिससे असामान्य अमोनिया चयापचय से जुड़े लक्षणों को राहत मिलती है। जैसा कि मैंने बता दिया ये जो मेडिसिन है एक एसिड है, एमिनो एसिड है जो कमज़ोर लीवर को अच्छे से जो कमज़ोर लीवर या अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं लीवर को सही से एकत्रित होने से रोक देता है या कमज़ोर कर देता है, जिससे असामान्य अमोनिया चयापचय से जुड़े लक्षणों से राहत मिलती है। तो दोस्तों इसका जो इस्तेमाल इस प्रकार है, तो दोस्तों ये जो है इसका जो साइड इफेक्ट है मतली या उल्टी, दस्त, पेट दर्द। दोस्तों ये जो मेडिसिन है आईवी दिया जाता है, वो भी इन्फ्यूज़न किसी भी फ्लूइड के साथ दिया जाता है, जैसे कि जो भी फ्लूइड डॉक्टर से या अगर आपको इतना समझ है तो उसमें फ्लूइड के साथ दिया जाता है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों आज का वीडियो मेरा यही रहा, मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके आप लोग जरूर बताएगा। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।